नमस्कार दोस्तों, स्किन फिक्सल से मैं कृष्णा ठाकुर बात कर रहा हूँ। आप कैसे हो सब? आप लोग उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हमारी क्लास में कैमरा सेक्शन चल रहा था, तो सोचा वीडियो बना के ये कैमरा सेक्शन आपके साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि आप लोग जब ट्रेनिंग के लिए नहीं आ पाते हो, अपनी टेबल पर ही आपको दिक्कत आती है कैमरे सेक्शन से रिलेटेड। तो सोचा जब क्लास में ये सेक्शन चल रहा है तो आपके साथ भी ये शेयर करें, जिससे आपको भी कैमरे के सेक्शन में और बारीकी पता चले। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है आपके फोन में अब तो कई कई कैमरे आते हैं, फ्रंट में भी आपके एक कैमरे दो कैमरे आते हैं, और रियर के जो कैमरा होता है उसमें भी कंपनियां जैसे ओप्पो वीवो सैमसंग, इनके अंदर आप देखेंगे तो कई सारे कैमरे आते हैं। पहले क्या था, जो पुराने मॉडल थे उसमें एक या दो कैमरे आते थे। आजकल क्या हो रहा है, नए नए मॉडल आ रहे हैं तो उसमें क्या होती है, किसी में तीन कैमरे, चार कैमरे, पांच कैमरे, छह कैमरे, इस तरह से कैमरे अलग अलग आ रहे हैं। तो जो कैमरे होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ट्रैक्स होते हैं। अब जब कोई फोन आता है हमारे पास, उसका कैमरा नहीं चल रहा है, अब चलो हमने क्या किया, उसका कैमरा चेंज किया, और चेंज करने के बाद चल गया तो ठीक है, अगर चेंज करने के बाद नहीं चलता है तो आप लोग क्या करते हो, फिर परेशान हो जाते हो कि कैमरे को कैसे चेक करें, क्या चेक करें, कौन सी सप्लाई चेक करें या कौन सी लाइन चेक करें। क्योंकि तो आपको पता है जो आपका कैमरा सेक्शन होता है वो किससे कनेक्ट रहता है, आपका सीपीयू से कनेक्ट रहता है। तो ऑलमोस्ट सारे ट्रैक्स जो होते हैं आपके सीपीयू से ही आते हैं, ठीक है ना। अब जो ट्रैक्स आते हैं, कौन सी लाइनें होती हैं, क्या काम करती हैं, और किस हिसाब से उनको चेक किया जाए, यानी आप किस हिसाब से उनको चेक करें, तो आपको पता चल जाए कहाँ से फॉल्ट आ रहा है। हो सकता है कैमरे पर वोल्टेज नहीं आ रहे, पर कौन से वोल्टेज कम बनते हैं, तो ये सारी चीजें हम आपको इस कैमरा सेक्शन में बताने जा रहे हैं। तो आपको पता है जो आपका कैमरा होता है ऑलमोस्ट किससे कनेक्ट होता है, सीपीयू से। तो सीपीयू से क्या होता है, मीपी लाइनें आती हैं, मीपी सीएसआई, यानी मीपी कैमरे की जो लाइनें होती हैं। तो किस किस तरह से कनेक्ट होती हैं, तो ये चलो देखते हैं। तो आपको पता है आपके फोन में क्या होता है, सीपीयू। अब सीपीयू किसी भी कंपनी का हो सकता है, तो एग्जांपल के लिए हमने ये क्वालकॉम का सीपीयू लिया हुआ है, तो सीपीयू आपका क्वालकॉम का भी हो सकता है, मीडियाटेक का भी हो सकता है, या एक्जेन या सैमसंग का हो सकता है, या हुवाई वगैरह किरण वगैरह का हो सकता है, मैटर नहीं करता, सीपीयू कोई भी लगा हो। पर जो कैमरे की जो लाइन ट्रैक्स होते हैं तो उनके बारे में आपको डीप नॉलेज देंगे। आप जिससे पहले जो काम करते थे, मुझे नहीं पता किस तरह से काम करते थे, किस तरह कैमरे को सेक्शन को रिपेयर कर सकते करते थे, आज मैं जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इस क्लास के दौरान बताऊंगा, तो ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको जो कोई भी कैमरा रिपेयर करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपका सीपीयू होता है, अब सीपीयू के बाद जो सीपीयू से जो लाइनें आती हैं वो किसके लिए आती है, कैमरे के लिए आती है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे कैमरे का कनेक्टर लिया हुआ है, तो सीपीयू कनेक्ट होता है आपका, यानी कैमरा कनेक्ट होता है सीपीयू के साथ। तो इसमें क्या होती है, ये लाइनें आती है ट्रैक्स, कौन सी लाइनें आती है, मीपी लाइनें आती है। मान लो ये आपकी मीपी सीएसआई है, क्या ये मीपी सीएसआई, यानी कैमरे की लाइनें होती है। मीपी क्या होती है, प्रोटोकॉल होता है, तो वो मैं आपको प्रोटोकॉल क्लास में बताते हैं किस तरह से कौन सा प्रोटोकॉल किस काम के लिए कैसे काम करता है। तो फोन में हमारे बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, तो अलग अलग आपको मैं डीप नॉलेज दूंगा प्रोटोकॉल के बारे में। तो अभी फिलहाल कैमरा समझते हैं। तो ये जो मीपी लाइन होती है, ये कैमरे के हिसाब से अलग अलग लाइनें होती हैं। तो आपका जो मेन कैमरा होता है उसमें आपकी 10 होती हैं, और जो जैसे आपने देखा होगा आपके फोन में चार पांच कैमरे होते हैं, पर जो मेन कैमरा होता है उसमें एक ही होता है मेन कैमरा। तो उसमें आपको 10 लाइनें मिल जाएंगी मीपी की। अगर कैमरा थोड़ा छोटा होगा तो उसमें क्या होगी, 8 लाइनें होगी या 6 लाइनें होगी। तो जो मीपी लाइनें होती हैं वो कम ज्यादा आपको मिल जाएगी, चाहे फ्रंट का कैमरा हो चाहे बैक का कैमरा हो। और इसके साथ कैमरे के साथ इसमें क्लॉक होते हैं, दो लाइनें किसकी होती है, क्लॉक की होती है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये दो क्लॉक की लाइन होती है, मीपी लाइन और क्लॉक लाइन होती है। तो ये क्या होती है, प्रोटोकॉल होते हैं, जो अंदर से मीपी सीएसआई के प्रोटोकॉल आते हैं कैमरे को चलने के लिए। तो कैमरा इनसे कनेक्ट होता है। अगर इनमें से कोई भी कैमरा, कोई भी लाइन सिंगल ट्रैक अगर कोई भी ब्रेक हो जाता है 10 में से, यानी जितनी भी आपकी कैमरे में लाइन दी हुई है, तो आपका कैमरा होगा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आगे समझते हैं। इसके बाद क्या होता है आपका, I2C। अब I2C क्या होती है, I2C लाइन क्या करती है, कैमरा, अब जो आपका कैमरा सिस्टम में लगा हुआ है होता है, आपको पता है जब आपका फोन ऑन होता है तो पूरे हार्डवेयर को आपका फोन चेक करता है। तो उसके लिए क्या होता है, अलग उसका प्रोटोकॉल होता है, I2C प्रोटोकॉल। तो I2C प्रोटोकॉल के से क्या, सीपीयू क्या करेगा, उस कैमरे को आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ कैमरा लगा हुआ है कि नहीं, उसके कम्युनिकेशन के लिए I2C प्रोटोकॉल होती है। उसके बाद क्या होता है, मान लो ये रीसेट लाइन होती है, अगर ये भी लाइन ब्रेक हो जाती है तब भी आपका कैमरा नहीं चलेगा, क्योंकि जो पहले से डेटा डला हुआ है वो क्या होना होता है, रीसेट होता है। क्योंकि जब तक डेटा पुराना रीसेट नहीं होगा, जब तक नया डेटा नहीं आ पाएगा। तो ये भी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन होती है, ये भी लाइन आपकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, अगर ये मिस हो जाए तब भी आपका कैमरा काम
नहीं करेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपकी ये 10 मीपी लाइन हो गई, अब 10 मीपी लाइन पे आप लग गए रिपेयर करने के लिए, तो ऐसा नहीं है 10 मीपी लाइन से ही आपका कैमरा काम करता है। इसके लिए और भी लाइनें होती हैं उसके द्वारा ही आपका कैमरा काम करता है, जैसे रीसेट लाइन होती है, उससे आगे आ जाते हैं क्लॉक हो गया। अगर आपके कैमरे पर क्लॉक नहीं आएगा तब भी आपका कैमरा क्या होगा, काम नहीं करेगा। आपको तो पता है क्लॉक कहाँ से बनता है, क्लियर है सबका? ठीक है, अब क्लॉक हो गया, अब क्लॉक कितना आएगा, अब ये तो चिपसेट के हिसाब से अलग अलग क्लॉक होते हैं सबके, तो चिपसेट के हिसाब से क्लॉक आई गई है। अब क्या होगा, आपको पता है वीरेज यानी 1.8 वोल्टेज होता है, तो आपको पता है 1.8 वोल्टेज जो होता है ऑलमोस्ट आपके पूरे फोन में हर एक आईसी के लिए जाता है, ऐसे ही आपके क्या होता है कैमरे में भी जाता है, तो कैमरे कनेक्टर पे भी ये 1.8 वोल्टेज आता है। अगर मान लो आपका ये 1.8 वोल्टेज है, ये ब्रेक हो गया, तो कैमरा आपका कभी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वोल्टेज आप बिना कैमरे को लगाए, यानी बिना कैमरे को लगाए भी आप चेक कर सकते हो, ये वोल्टेज आपको कनेक्टर पर मिल जाएगा। इसका ये नहीं है कि आपको कैमरे लगा के ही वोल्टेज चेक करना है, बिना कैमरे लगाए भी ये वोल्टेज चेक कर लेना है, तो आपको ये पहले चेक कर लेना है कि वोल्टेज आ रहा है कैमरे पर नहीं आ रहा है, फोन आपका ऑन होने चाहिए उसके लिए, या आपको पता है क्या करना है, क्लियर है ना? तो ये वोल्टेज आपको क्लियर कर लेना है कि आपके कैमरे पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इससे आगे की जो लाइन है ये आपकी AVDD हो गया और दूसरा DVDD, तो ये क्या होते हैं, वोल्टेज होते हैं आपके कैमरे को चलने के लिए। जब आप कैमरा लगा देते हो, जब कैमरा लगाने के बाद आप क्या करते हो, कैमरे को जैसे ओपन करते हो, तो जब आपका कैमरा चलता है तो उस समय ये वोल्टेज आते हैं, ये दोनों वोल्टेज, ये आपके डिजिटल और एनालॉग वोल्टेज होते हैं। AVDD यानी एनालॉग वोल्टेज हो गया 2.8 आता है, और जो DVDD होता है डिजिटल वोल्टेज होता है, वो आपको हो सकता है 1.8 आए या 1.2 आए या 1.5 आए, तो अलग अलग मॉडलों में क्या होता है ये वोल्टेज थोड़ा अप डाउन हो जाता है। तो उसी में क्या होता है, आपने देखा होगा आप जैसे बटन को दबाते हो उसे, तो आपका क्या हो जाता है कैमरा फेल्ड हो जाता है, तो हो सकता है ये जो आपकी ये जो लाइन आ रही है, हो सकता है इनमें से कोई एक लाइन ब्रेक हो, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। ये आपको सारी जो चीजें ये सारी चीजें सिक्वेंस में चेक करनी है, पहले आपको ये 10 मीपी लाइन चेक करनी है आ रही है कि नहीं आ रही है, आप कैसे चेक कर रहे हो आ रही है कि नहीं आ रही, तो सिंपल है आप फोन में से बैटरी और चार्जर निकाल देनी है, उसके बाद इनकी यहाँ तक आपको जिया ले लेनी है रीसेट तक। दूसरी क्लॉक, क्लॉक की आप जिया ले सकते हो, पर आपने देखा हो कभी कभी क्या हो जाता है बीच में कंपोनेंट लगा रहता है, सीरीज में कैप्सूल भी लग जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है GRB नहीं आ पाती है, तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको DSO से चेक करना पड़ेगा। तो ये हम थ्योरिकली समझ रहे हैं, उसके बाद हमारे पास फोन भी है कैमरे का, तो उस फोन को हम रिपेयर भी करेंगे, और ये आपको जो क्लॉक है उसको जो DSO से हम आपको चेक करके भी दिखाएंगे प्रैक्टिकल, किस तरह से आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो किस तरह से आपको DSO पे मेजर होगी। तो ये क्लियर हो गया, इसके लिए 1.8 वोल्टेज के लिए आपका फोन ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, जब ये वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, या आप चार्जर लगा के भी कर सकते हो इसे वोल्टेज को चेक, तो ये वोल्टेज, और ये कब बनेगा आपका, जब कैमरा चालू होता है, तो ये भी आपको GR से भी आपको मेजर हो जाता है कि लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम अभी आपको GR चेक करके बताएं किस तरह से आपको GR चेक, ये हो गया AF 2.8 वोल्टेज। अब AF क्या होता है, ये हो गया आपका ऑटो फोकस। आपने देखा होगा जैसे आप कैमरे को ओपन करते हो, तो जब आपका कैमरा चालू हो जाता है, चालू होने के बाद आप इधर उधर फोकस करते हो, इधर उधर कैमरे से शूट करते हो, तो कैमरा क्या करता है अपने आप उस जगह पर फोकस कर लेता है, ठीक है, तो फोकस करने के लिए तो ये उसके लिए 2.8 वोल्टेज आता है कैमरे पे, जिससे क्या होता है ऑटो फोकस। अगर ये आपका 2.8 वोल्टेज नहीं भी आएगा तो बस कैमरे एक ही दिक्कत रहेगी, आपका कैमरा ऑटो फोकस नहीं करेगा, बाकी कैमरे चलने में इससे आपको कोई समस्या नहीं आएगी किसी भी तरह से, आप इसके बिना भी कैमरा यूज कर सकते हैं, बस इसका इतना ही जो होता है ऑटो फोकस के लिए होता है। तो इस तरह से ये हमारी सारी लाइनें होती हैं। अब नीचे क्या दिया हुआ है, मीपी लाइन, मीपी लाइन से कैमरा CPU से कनेक्ट रहता है, जो आपकी मीपी लाइन होती है ये, तो इससे क्या हो जाता है मीपी लाइन से आपका कैमरा कनेक्ट होता है, इसी से जो डेटा होता है इसी से डेटा ट्रांसफर किया जाता है मीपी लाइन से, जो भी आप कैप्चर वगैरह करते हो, जो आप दिखाते हो ना इधर उधर कैमरा, जो आपका स्क्रीन पे जो दिखाई देता है, तो डेटा ट्रांसफर जो होता है किससे होता है, मीपी लाइन के द्वारा ही किया जाता है। अब ये आपको जो मैंने अभी ये बताया आपको AF ऑटो फोकस ये लाइन अगर ज्यादातर मैन कैमरे में होती है, जो आपकी ऑटो फोकस की जो लाइन होती है जो आपका मैन यानी रियर जो कैमरा होता है उसके अंदर होती है, फ्रंट में भी होती है कुछ जो है जैसे कॉस्टली जो फोन होते हैं एक्सपेंसिव जो सेट होते हैं उनके अंदर आती है ये, फ्रंट कैमरे में भी ये लाइन देखी गई, मैंने देखे खुद चेक की है, बाकी जो रियर कैमरा होता है उसमें तो आपको मिलती ही मिलती है ये।
अब ये क्या लिखा हुआ, एबीडीडी और डीबीडीडी कैमरा लगाने पर ये वोल्टेज बनते हैं। ऐसा नहीं आपने क्या किया फोन चालू कर लिया और आप एबीडीडी और डीबीडीडी वोल्टेज चेक कर रहे हो, तो ये आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा। ये जब ही मिलेगा जब आपका कैमरा लगा हुआ होगा। तो ये कब चेक होगा आपका, जब कैमरा लगा के ही चेक होगा वोल्टेज। ऐसा नहीं आप बिना कैमरा लगाए फोन वो चालू करके वोल्टेज चेक नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना है, ये तो मैंने आपको लाइनें बता दी किस तरह से आपकी लाइनें होती हैं। तो क्या होगा, मान लो आपका कैमरा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, अगर आपका कोई भी कैमरा काम नहीं कर रहा है तो एक बार ये चेक करोगे कहीं ऐसा तो नहीं आपका कैमरा ही खराब हो। तो आपको क्या करना है, कैमरे को आपको चेंज करके देख लेना है, यानी कैमरे को रिप्लेस करके देखना है, जिससे आपकी श्योरिटी हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपका कैमरा ओके है, प्रॉब्लम कहाँ से है, कहीं सर्किट से ही प्रॉब्लम है। उसके बाद आपको जो अगला स्टेप करना है वो क्या करना है, आपको ये जो आपकी 10 मीपी लाइन होती है, 10 हो 8 हो या 6 हो, जितनी मीपी लाइन होती है इन पे आपको पता है लमसम सेम जीआर आती है, ठीक है ना, सब पे लमसम सेम जीआर आती है। तो आपको क्या करना है, इन सब पे सेम जीआर आपको चेक करनी है कि सब पे सेम जीआर आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आपको लग रहा है, मान लो ये डीएन डीपीएन डेटा पॉजिटिव डेटा नेगेटिव, डेटा पॉजिटिव डेटा नेगेटिव, इस तरह से ये लाइनें होती है, प्लस माइनस डेटा, प्लस माइनस डेटा, प्लस माइनस लाइन होती है। मान लो आपने चेक किया इसमें, मान लो आपको 370 जीआर आ गई, ठीक है ना, अब नीचे वाली लाइन आपने चेक की और इस पे आ गई 450, तो ये क्या होगी, मैंने क्या बताया आपको लमसम सेम जीआर आनी चाहिए, ये जीआर क्या होगी कम ज्यादा होगी। तो इस कंडीशन में क्या करना है, बाकी भी आपको लाइनों की मान लो जीआर लिए सबकी, किसी की 371, किसी की 379 या किसी की 370, यानी लमसम सेम जीआर आती है सब पे आए, पर आपने देखा कि इस पे जीआर ज्यादा आ रही, तो क्या है इसका, ये लाइन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, तो आपको चेक करनी है। हो सकता है आपका कनेक्टर जो कनेक्टर है या आपका जो सीपीयू कोल्ड सोल्ड हो गया हो, तो उस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, हम सीपीयू को रिवोल्व करते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये चेक करने के बाद आपको I2C लाइन होती है, I2C आपका क्या है, आप पता है I2C पे 1.8 वोल्टेज होते हैं और इस पर प्लग भी लगा रहता है, 2.2 के आपके रजिस्टर भी लगे रहते हैं, यहाँ पे मैंने बनाई नहीं है, यहाँ पे क्या होता है 2.2 के रजिस्टर होते हैं और यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आपका पावर IC से आता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज चेक कर लेना दोनों लाइन पे आ रहे हैं या नहीं आ रहा है। उसके बाद क्या करना है, आपको इसकी जीआर लेनी है, तो सभी पिनों की आप जीआर ले लोगे ना, उससे आपका मेजर हो जाएगा कि हाँ आपकी सारी लाइनें, कोई लाइन ब्रेक है, कोई लाइन कोल्ड सोल्ड तो नहीं है। तो ये कन्फर्म होने के बाद क्लॉक आपको पता है DSO से चेक होगा, बाकी जीआर ले सकते हो, अगर बीच में कैप्सूल लगा हुआ है तो आपको जीआर नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कैप्सूल जहाँ लग जाता है बीच में वहाँ दूसरी साइड जीआर नहीं आती है, अगर आप इधर जीआर चेक करोगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू, इधर नहीं मिलेगी। क्लियर है ना सबका ये। और उसके बाद क्या बताया आपको, ये 1.8 वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और ऑटो फोकस बस आपको ये देखना है, ये लाइन वगैरह शॉर्ट ना हो बस, बाकी अगर ये वोल्टेज आएगा नहीं भी तब भी आपका कैमरा, ऐसा नहीं कि इसकी वजह से आपका कैमरा ना चले, आपका कैमरा काम करेगा इसके बिना भी, बस क्या है ऑटो फोकस, उसको ये दोनों वोल्टेज हो गए। अब आपने क्या किया, कैमरा चेंज कर लिया, जीआर ले ली, वोल्टेज चेक कर लिए, फिर भी क्या हुआ आपका कैमरा काम नहीं कर रहा है। तो अब क्या होगा, मान लो आपने जीआर चेक किए, अब जीआर में क्या हो रहा है आपका, ये कम इस पर ज्यादा आ गई जीआर, तो ज्यादा आने का क्या मतलब है, ये अंदर से कोई लाइन ये जो है कोल्ड सोल्ड हो रखी है। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, आपको सीपी को रिवोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सीपी को रिवोल्व करने से अब क्या कि जो जीआर होगी वो नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है, सारी लाइनें ओके आ रही हैं, जीआर भी ओके आ रही है, सब कुछ ओके, वोल्टेज वगैरह सब कुछ ओके है। तो लास्ट में क्या होता रहता है, या तो हो सकता है जो आपका जो कनेक्टर लगा हुआ है, कैमरे का जो कनेक्टर लगा हुआ, हो सकता है अंदर से कोई पिन हो एक आध वो कोल्ड सोल्ड हो गई हो, कभी क्या हो जाता है हम ध्यान नहीं देते हैं, सीपीयू भी रिवॉल्व कर लेते हैं, सारी चीजें चेक कर लेते हैं पर हम कनेक्टर पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको क्या करना है, कनेक्टर को दोबारा से रिसोल्व कर देना है, उसके बाद आपको सीपीयू पर रिवॉल्व करना है। तो ये फोन रखा हुआ, किसने दिया है मुझे फोन, अच्छा आपका फोन है, ठीक है, तो इसे हम चेक कर लेते हैं किस तरह से, और बाकी सारे वोल्टेज वगैरह हम चेक। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।